जय हिंद दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ देखने को तो सभी मनुष्य हैं, पर जब इंसानियत की बात आती है और बराबरी की बात आती है तब कोई ना कोई पीछे छूट ही जाता है। आज मैं आपको अ ट्रिप इनटू द जंगल नाम की कहानी सुनाऊंगी जो मनोज दास द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक धनाढ्य वर्ग के व्यक्ति थे जिनको लोग राजा साहब कहते थे। राजा साहब रईस थे और रईसों वाले शौक भी थे उनके। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर जंगल की सैर करने की सोची, जिससे कि शिकार करने का मजा भी आ जाएगा और प्राचीन काल में आदि मानवों द्वारा बिताए जीवन का अनुभव भी मिल जाएगा। कुल 5 लोगों का समूह तैयार हुआ सैर के लिए, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस मिट्टी, मिस्टर एंड मिसेस चाकोड़ी और खुद राजा साहब थे। ये सभी एक जीप में सवार हुए जिसका ड्राइवर था श्यामल। श्यामल हैंडसम था और राजा साहब के बाप की नाजायज औलादों में से एक था, जिसे हम राजा साहब का हाफ ब्रदर कह सकते हैं। श्यामल की कोई इज्जत नहीं थी, वह बस गुलाम था जिसकी चाबी राजा साहब रखते थे। जंगल में राजा साहब का एक बंगला था, सबको वहीं रुकना था। बंगले में जब सब पहुंचे तब सब ने नहा धोकर शराब पिया और शिकार के लिए जाने लगे। श्यामल ने साथ जाने से मना किया, जिसकी वजह से राजा साहब श्यामल के ऊपर बहुत बिगड़े। मिसेस मिट्टी भी बहाना बनाकर कि उसका मूड ऑफ है, बंगले पर ही रुक गई। जब बाकी लोग चले गए तब मिसेस मिट्टी श्यामल के साथ फ्लैश एंड ब्लड का खेल खेलती है और उसे सेड्यूस भी करती है। श्यामल भी था तो मर्द ही, बहक जाता है। फिर जब सब शिकार से वापस आते हैं तो मिसेस मिट्टी और श्यामल को आपत्तिजनक स्थिति में पाकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। मिसेस मिट्टी झूठ बोलती है। मिसेस मिट्टी कहती है कि श्यामल ने उसे मॉलिस्ट किया है। फिर क्या था, राजा साहब, चाकोड़ी कपल और मिस्टर मिट्टी जानवरों की तरह श्यामल को पीटते हैं और जिस कमरे में उन्होंने रात के डिनर के लिए एक अधमरे हाफ डेड बोर यानी कि जंगली सुअर को रखा था, वही कमरे में श्यामल को डालकर ताला लगा देते हैं। फिर रात होती है, सभी अपने अपने धुन में मस्त नाचते हैं, गाते हैं, एक आग जलाते हैं और फिर जब सबको भूख लगती है तो उन्हें खाने का ख्याल आता है। वे उसी कमरे को खोलकर उस अधमरे जंगली सुअर को लेकर आते हैं और भूनकर आग में सब उसका मांस सेवन करते हैं। अगले दिन सबको वापस जाना था। चौकीदार जब सबको जगाता है और फिर चाय बनाने की जरूरत पड़ती है तो राजा साहब जाते हैं श्यामल के कमरे की ओर उसका ताला खोलने। तभी मिसेस मिट्टी राजा साहब को रोक लेती है और कहती है, क्या पता कल रात हम सब बहुत नशे में थे, नशे की हालत में हमने जंगली सुअर को जलाकर खाया है या उसकी जगह श्यामल को जलाकर खा गए हैं। बस इस सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं था। सब स्तब्ध रह जाते हैं एक मिनट के लिए और फिर जैसे कि श्यामल की किसी को फिक्र ही नहीं है। कोई नहीं कमरा खोल कर देखता है और ना ही इसकी जरूरत महसूस करता है कि उस कमरे के अंदर क्या है, और बस सब बिना श्यामल की परवाह किए अपना अपना सामान लेकर अपने अपने घर को वापस आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे भी श्यामल उनकी जिम्मेदारी तो था ही नहीं, वो तो गरीब था जिसकी जरूरत इस धनाढ्य वर्ग को नहीं थी। नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लॉट। कहानी का प्लॉट मेनली सोसाइटी के 2 डिफरेंट क्लासेस की है, एक अपर क्लास एंड अनदर इज लोअर क्लास। नाउ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर में टोटल हम 7 कैरेक्टर देखते हैं, जिसमें कि एक चौकीदार यानी कि वॉचमैन भी है, बट उसका कुछ खास रोल नहीं है। आपको याद रखना है 5 कैरेक्टर्स मेनली, राजा साहब एंड चाकोड़ी कपल एंड मिट्टी कपल, देन श्यामल जो कि इलिजिबल चाइल्ड था राजा साहब के पापा का और हाफ ब्रदर ऑफ राजा साहब। एटमोसफेयर मोस्टली फॉरेस्ट का ही स्टोरी है, तो जंगल का एटमोसफेयर है। नैरेटिव टेक्निक सिंपल है, स्ट्रेट है। एंड फिगर ऑफ स्पीच जो है, इसमें काफ़ी तरह के फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं मनोज दास ने, जैसे आयनी, मेटाफोर, सिमिली, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन एक्सेट्रा। एंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट पीपल ऑफ द सेम सोसाइटी है, हायर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच जो भी गैप है उसकी है।
हाई सोसाइटी वाले लोअर क्लास को किस तरह से ट्रीट करते हैं, देन फीमेल होने की वजह से किस तरह से फेमिनिज्म दिखा करके मिसेस मिट्टी श्यामल को सेड्यूस भी करती है और फिर उसकी पिटाई भी करवाती है, तो एक्सेट्रा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।